नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़। भिवानी के एंटी व्हीकल थेफ्ट पुलिस की टीम ने गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई सुभाष चंद्र ने खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ सांगा गांव में छापेमारी की। पुलिस व खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम भी मौके पर ये सब देख कर हैरान रह गई, क्योंकि आरोपी ने घर पे ही अवैध गैस एजेंसी बना रखी थी, जिसके लिए प्रत्येक सिलेंडर में वो ब्लैक में 200 रुपये प्रति सिलेंडर बेच रहा था। सर्दी का समय होने के कारण ज़्यादातर गैस की कमी देखी जाती है और इसी का फायदा ये दलाल और मिलीभगत करने वाले तथा गोरखधंधा करने वाले लोग उठाते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण पिकअप गाड़ी में रखे हुए ये सिलेंडर हैं। ये सिलेंडर इस समय एंटी व्हीकल थेफ्ट पुलिस थाने में रखे हुए हैं, जिन्हें देर रात गुप्त सूचना के आधार पर काबू किया गया था। एएसआई कृष्ण मलिक ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि गजानन गैस एजेंसियों से ये संपर्क कर सिलेंडर के लिए यहाँ लेकर आया हुआ था और दुकानदारों से ये प्रत्येक सिलेंडर 200 रुपये ब्लैक में देता था। उन्होंने बताया कि आरोपी गजानन से 88 व्यावसायिक व 4 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए हैं। लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने के लिए गजानन ने अपने ही घर पर अवैध रूप से एजेंसी बना रखी थी, पर शायद कानून के हाथ लंबे होने के कारण वो पकड़ा गया। पर कल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी, जो आरोपी गिरफ्तार किया, किस आरोप में गिरफ्तार किया, क्या बरामदगी हुई उनसे? कल हमारी टीम के एसआई सुभाष रोहतक चौक पर मौजूद थे तो मुखबर ने बताया कि गांव सांगा के अंदर गजानंद रूप गज्जे सनोफ रामचंद्र जाति ब्राह्मण, जो कि सिलेंडरों की कालाबाजारी करता है और अब मौजूदा अपने घर पर सिलेंडरों को गाड़ियों में डालने का काम कर रहा है। उसके बाद एसआई सुभाष चंद्र ने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरों से संपर्क किया और उनको अपने साथ लेकर के गांव सांगा में पहुंचे तो गजानंद के घर बाहर खड़ी पिकअप डाला, उसके अंदर 42 सिलेंडर मिले और बाकी सिलेंडर उसके घर के अंदर आंगन में रखे थे। तो उनसे पूछताछ की तो पूछताछ में उनको कागज पेश नहीं कर सका और उसको हमने गिरफ्तार किया है। और ये सिलेंडरों की कालाबाजारी करता था और गैस एजेंसियों से अपने रसूख से भरवा करके और आगे मुनाफा में बेचता था हलवाइयों को और पब्लिक को। कुल कितने सिलेंडर बरामद? कुल 92 सिलेंडर हैं, जिनमें से 88 कॉमर्शियल और 4 घरेलू सिलेंडर हैं। कौन से स्थान से बरामद? ये गाँव सांगा गजानंद के घर और गाड़ी से बरामद। पता चला कितने ब्लैक करता था एक सिलेंडर के ऊपर? ये एक सिलेंडर पर 200 रुपए तक ब्लैक किया था।